कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के नामचीन बियर बार पर प्रशासन का छापा। कांग्रेस नेता ने बताया बदले की कार्यवाही। शनिवार की शाम सागर शहर के गुजराती बाजार लिंक रोड स्थित नामचीन बियर बार पर सागर एसडीएम ने दलबल के साथ छापा मारा। छापे की इस कार्यवाही में एसडीएम के साथ खाद्य विभाग, आबकारी विभाग तथा स्थानीय पुलिस बल शामिल था। स्मार्ट बार नाम का ये बियर बार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश साहू का बताया जा रहा है। प्रशासनिक अमले ने इस पर छापामार कार्यवाही के बाद बार मालिक कमलेश साहू पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। समाचार लिखे जाने तक आबकारी तथा खाद्य विभाग की टीमें बियर बार की जांच कर रही थी। एसडीएम का कहना है कि उनकी जांच के बाद मामले में अन्य मामलों में भी प्रकरण दर्ज होंगे। सागर शहर के जाने माने शराब व्यवसायी तथा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश साहू के बियर बार स्मार्ट बार पर प्रशासनिक अमले द्वारा छापामार कार्यवाही की सूचना से शहर के माहौल में गर्मी आ गई। प्रशासन द्वारा देर शाम इस बार पर मारे गए छापे को कांग्रेस जन इसे बदले की कार्यवाही बता रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि बियर बार मालिक तथा कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने विगत दिनों परिवहन तथा राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत पर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बदले स्वरूप यह कार्यवाही की गई है। वहीं इस मामले में सागर एसडीएम का कहना है कि सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के दिन भी यहां पिछले दरवाजे से ग्राहकों को लाकर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी। इसके अलावा बियर बार के किचन में घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग किए जा रहे थे तथा यहां शराब को भी भंडार कर रखा गया था, जिस पर यह कार्यवाही की गई है। जी कमलेश जी, मैंने सुना है कि स्मार्ट बार होटल पर कुछ पुलिस पहुंची और रेड लिया है। बात यह है कि मैंने दो दिन पहले गोविंद राजपूत के खिलाफ एक बयान जारी किया था, जिसके फलस्वरूप यह मेरे ऊपर जबरदस्ती की कार्रवाई की गई है। क्योंकि बार 4 महीने से टोटल बंद है, सील है। लेकिन आप कांग्रेस में किस पद पर हो पाए? मैं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हूँ, जिसको धूमिल करने के लिए कार्रवाई की गई है। माल जो भी उसमें बार में था वो पूरा सील किया हुआ रखा था, सील को जबरदस्ती तोड़कर उस पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है किचन में कुछ अवैध मात्रा में सामान पाए गए। अवैध मात्रा में? अब किचन मेरा चालू रहता है, ऊपर लॉजिंग है और मेरे गरीब मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं, बाहर के गाँव के रहने वाले, वो कहीं जा नहीं पाते और मैं बाहर गरीबों को वहाँ से खाना सप्लाई करता हूँ, इसलिए किचन मेरा 24 घंटे चालू रहता है। तो ये जो होटल पे आज रेड डाली गई है जी, हाँ। तो ये मतलब क्या कहते हैं, राजनीति तौर पर डाली गई? पूरा राजनीतिक षड्यंत्र। चूंकि आपकी पृष्ठभूमि राजनीति से पहले से जुड़ी हुई है जी, हाँ। भाजपा कांग्रेस से पहले से जुड़ी जी, हुई है जी। तो आज जो हुआ है वो क्या हुआ? कुछ नहीं, इसके लिए मेरे छवि को धूमिल करने के लिए यह कार्रवाई की। उस होटल से मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे नौकर मेरे बच्चे लोग देखते रहते हैं। तो होटल में कोई मतलब अवैधानिक काम नहीं था? ना कोई ना कुछ नहीं, कोई भी नहीं। जब सील लगी हुई है, आबकारी भी कह रही कि सील लगी हुई है, फिर कहां से आप? पुलिस कैसे पहुंच गई फिर? वो तो एसडीएम साहब ने बुलाया, सुना है। सूचना मिली थी कि बार में यहां डेली लोग आते हैं, शराब पीते हैं, बैकडोर एंट्री है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेन जो मेन गेट है इसका सील अभी भी लगी हुई है, एक्साइज की जो मार्च में उन्होंने लगाई थी। लेकिन ये होटल जाने का जो रास्ता है सोनम होटल, अंदर से बार की एंट्री होती है और लोग जब हम लोगों ने एंटर किया है तो लोग वहाँ पे शराब पीते हुए मिले, तो ये वायोलेशन है। सैटरडे संडे वैसे भी पूरा आपका सागर शहर बंद है, बंद होने के बाद भी, बार का लाइसेंस ना रिलीवन होने के बाद भी यहाँ पे लोग आते हैं, शराब पी रहे हैं। इसी को देखते हुए आज यहाँ रेवेन्यू टीम, पुलिस टीम और एक्साइज टीम और फूड की टीम, सब लोगों ने संयुक्त रूप से यहाँ पे आज कार्रवाई की है। एक्साइज की टीम अभी भी कार्रवाई कर रही है, बड़ी मात्रा में शराब भी बार से बरामद की गई है। जो किचन है उसमें जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होना चाहिए था। तो फूड का भी मामला है, फूड का भी इसमें केस बना है, एक्साइज का केस बना है। और चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद भी ये बार खोल के चला रहे हैं, तो इसमें IPC की धारा जो 188 है, 269 है, 270 के तहत ये FIR दर्ज अभी कराएंगे। टोटल लॉकडाउन में पहली बार यहाँ की यहाँ से रेगुलर चलता रहा, क्या कारण? टोटल लॉकडाउन अभी सैटरडे संडे दो दिन टोटल लॉकडाउन है जी। इसमें तो सभी चीज़ बंद है। हाँ, प्रशासन के पास पहले भी शिकायतें गई ना, लेकिन कार्रवाई आज नहीं, ऐसी सूचना तो मुझे आज के पहले नहीं मिली। सर, मामला किन पर कायम किया गया है? नहीं, अभी तो लॉकडाउन का जो वायोलेशन है वो मामला एक दर्ज होगा, अभी FIR दर्ज करा रहे हैं। दूसरा एक्साइज का एक मामला बनेगा, तीसरा फूड का एक मामला बनेगा।
प्रोवाइडर कौन रहेगा, किस पे मामला दर्ज करेंगे? अभी जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं वो तो कमलेश साहू का नाम पे है पूरा, ये कार भी है उनका और ये जो होटल सोनम होटल है ये भी उनके नाम पे। राजनीतिक मंत्री के द्वारा है क्या निर्देशित किया गया? नहीं नहीं गलत है, ये तो प्रशासन का काम है, शिकायत आई हमने जांच की, उसमें चाहे कोई भी हो। सर आपकी मात्रा बताएंगे सर? और क्या क्या सर आपकी मात्रा क्या कितनी है? 71.20% टोटल इंग्लिश वाइन है पूरी।